गुजरात चुनाव में दूसरे दौर की वोटिंग से पहले जहां एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस के नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं, वहीं एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। राहुल गांधी काफी समय से मोदी पर उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाते रहे हैं। इन आरोपों पर पीएम मोदी ने पहली बार खुलकर पलटवार किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार अंबानी अडानी के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए है। पीएम ने कांग्रेस को झूठ न बोलने और विकास के मुद्दे पर ध्यान देने की सलाह दी। गुजरात ने विकासना पंथे वधारे तेज गति थी लई जवू छे के विनाशना पंथे फरी एक बार जवू छे। तमे मने को भाई आप 5 करोड़ जाजरू माथी एक जाजरू भूके संभाणी माटे बनायू हशे, અદાણી માટે બનાવ્યું છે, શું માંડ્યું છે વાતો કરો છો? અરે આ ગરીબ માટે કામ કરતો હોય તો આ મુખ્યમંત્રી કામ કરતો હતો અને આજે પ્રધાનમંત્રી કામ કરે છે। પણ અમારો મત છે કે બાળકોને પઢાઈ, યુવકોને કમાઈ, બુજુર્ગોને દવાઈ, આના માટે અમારી જિંદગી છે ભાઈ। પૂરે દેશ કે ચોરો કા કાલા ધન સફેદ કર દિયા। ગુજરાત કે સિયાસી સંગ્રામ મે દૂસરે ચરણ કે મતદાન કે લિયે ઉલટી ગિનતી શરૂ હો ચુકી હૈ। એસે મે વિરોધીઓ પર બાર પલટવાર ભી પડ ગયા હૈ। કોંગ્રેસ વિકાસ और उद्योगपतियों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी कांग्रेस के हर वार में ही उसको उलझा दे रही है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों का एनकाउंटर कर रहे हैं। राहुल गांधी पीएम मोदी की सरकार को अमीरों की सरकार बता रहे हैं, तो पीएम कह रहे हैं कि उनकी सरकार आम लोगों की सरकार है। राहुल बार बार कहते रहे हैं कि मोदी सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, खासकर 4-5 उद्योगपतियों के लिए। पहली बार पीएम मोदी ने राहुल के इन आरोपों का खुलकर जवाब दिया। 6.5 लाख एकड़ जमीन आपकी छीन कर नरेंद्र मोदी जी ने अपने 10-15 दोस्तों को दी। अडानी जी को 45,000 हेक्टेयर जमीन नरेंद्र मोदी जी ने दी आपसे छीनकर। कोई दिवस मुकेश अंबानी ने बस स्टेशन पर बसमा बेसवा आवू पड़े, बस स्टेशन पर कौन जाए भी को? गरीब मां गरीब मानस बस स्टेशन पर जाए कि ना जाए? आप वडोदरा मां आलीशान बस स्टेशन बनाव्यो, एयरपोर्ट करता पर फर्स्ट क्लास, ये अमीरों माटे बन्यू के गरीबों माटे? गुजरात चुनाव में विकास की जंग शुरू से जारी है। लगभग हर रैली में राहुल गांधी ये साबित करने में लगे रहते हैं कि बीजेपी की सरकार गरीबों का ख्याल रखने में फेल रही है। राहुल सरकार पर किसानों का कम और अमीरों का ज्यादा ध्यान रखने का भी आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन रविवार की रैली में पीएम मोदी ने खुलकर राहुल के एक एक आरोप का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने विकास के मुद्दे पर राहुल गांधी को उनके ही जाल में घेरा। 1,30,000 करोड़ रुपया बीजेपी की दिल्ली की सरकार ने 10 लोगों का कर्जा माफ किया, मगर जब किसान हाथ जोड़ के कहता है कि हमारा भी कर्जा माफ कीजिए, ठीक है 1,30,000 करोड़ रुपए मत कीजिए, 20,000 रुपए कर दीजिए, 30,000 रुपए कर दीजिए, तो अरुण जेटली जी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, किसान का कर्जा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं है। आपने नक्की करवानू छे
कि गुजरात ने विकासना पंथे वधारे तेज गति थी लई जवु छे के विनाशना पंथे फरी एक बार जवु छे। विकास होय के विनाश। विकास के अलावा गुजरात चुनाव में जिस बात पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है जीएसटी और नोटबंदी। दोनों ही मुद्दों पर कांग्रेस नेता बार बार पीएम मोदी की सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे हैं। गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताया गया तो नोटबंदी से देश के बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की बात कही गई। लेकिन दोनों ही मुद्दों पर बार बार बीजेपी और खुद पीएम मोदी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के चोरों का काला धन सफेद कर दिया और आपको राय में लगा दिया। आपने अपनी आंखों से देखा कि बैंक के अंदर अमीर लोग, सूट-पूट वाले लोग काला धन सफेद कर रहे हैं। बैठेला दरेक दरेक ने थोड़ी थोड़ी तो तकलीफ पड़ी है सने। તમારે લાઈનમાં ઉભા રહેવું પડ્યું હશે, તકલીફ તમને પણ થઈ, પણ તમારા માટે તકલીફ કરતા તમારે માટે દેશ મોટો હતો અને એટલા માટે દેશને પ્રેમ કરનારા સૌ કોઈ મારી સાથે રહ્યા। કોંગ્રેસ વાળાને એમ લાગે છે કે બેંકમાં પૈસા ગયા એટલે મોદી ફેલ। અરે કોંગ્રેસ વાળાને ખબર નથી આ બેંકમાં પૈસા એકલા નથી ગયા, એની જોડે સરનામું પણ ગયું છે। રાહુલ ગાંધીને ટ્વિટર પર ભી સવાલ દાગા થા કે આખિર ક્યું છોટે ઓર મંઝોલે કારોબારી ત્રસ્ત હૈ ઓર બડે ઉદ્યોગપતિ મસ્ત હૈ, જિસકે બાદ પીએમ મોદીને ઉનકે એક એક આરોપ કા કરારા જવાબ દિયા। આજ ભી પીએમ મોદી કી ગુજરાત મે કઈ રેલીયાં હૈ, वो मंगलवार को अहमदाबाद में एक रोड शो भी कर सकते हैं। दूसरे दौर की वोटिंग से पहले पीएम की कोशिश कांग्रेस को पूरी तरह से बैकफुट पर लाने की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुजरात में अब राष्ट्रवादी चुनाव प्रचार हो रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी बार बार कांग्रेस पर वोट के लिए राष्ट्रहित से समझौता करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेताओं के पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री से मिलने पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार पर देश विरोधी संगठन से पैसे लेने का भी आरोप लग रहा है। और इतना ही नहीं, अफजल प्रेम को लेकर भी कांग्रेस पर अटैक जारी है। कांग्रेस को स्पष्ट रूप से हार दिखाई पड़ रही है। सलमान निजामी राहुल गांधी माटे गुजरात मा वोट मांगतो होय। कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ, राष्ट्र विरोधी लोगों से कांग्रेस के संबंध, वोट के लिए राष्ट्रहित से समझौता। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री से कांग्रेस नेताओं की गुपचुप मुलाकात और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे पीएफआई से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के पैसे लेने के आरोपों के बीच ये सवाल उठे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इन आरोपों को और हवा दी है। जिग्नेश मेवाणी पीएफआई के एक आउटफिट से फंड लेते हुई तस्वीरें उनकी वायरल हुई है। अब जिस पीएफआई के ऊपर इतने गंभीर आरोप है उसके साथ जिनका रिश्ता है ऐसे श्री जिग्नेश मेवाणी को राहुल गांधी स्वयं मिलते हैं और कांग्रेस पार्टी अपनी एक सीट ये जिग्नेश मेवाणी के लिए छोड़ देती है। गुजरात में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सवाल उठाया है कि आखिर गुजरात चुनाव के बीच कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त से क्यों मिले। 6 दिसंबर को पाकिस्तान के उच्चायुक्त सोहेल महमूद के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने सीक्रेट मीटिंग की थी। इस मीटिंग में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी भी थे। गुजरात के चुनाव के एन वक्त पर
भारत सरकार के विदेश विभाग को सूचना दिए बगैर, भारत सरकार के विदेश विभाग की जानकारी के बाहर 2.5-3 घंटा लंबी मीटिंग पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से करने का मतलब मैं नहीं जानता। क्या संदेश डालना चाहते हैं गुजरात के मतदाताओं में? इससे पहले पीएम मोदी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस का नेता सलमान निजामी देश के खिलाफ बातें करता है, लेकिन वो गुजरात में आकर कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है। आ देशनी सेना माँ बहनों पर बलात्कार करनारी सेना छे, आउ देशनी सेना माटे कहनारो सलमान निजामी राहुल गांधी माटे गुजरात मा वोट मांगतो होय, भाइयों बहनों आवाने माफ कराए। लेकिन निजामी ने आरोपों से इनकार किया है। इस बीच अहमदाबाद में सलमान निजामी का विरोध शुरू हो गया है। यहाँ निजामी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में सलमान निजामी के साथ राहुल गांधी के फोटो लगे हैं और लिखा है, अफजल का जो यार है देश का गद्दार है। बीजेपी का आरोप है कि गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने सारे मूल्यों को ताक पर रख दिया है। बीजेपी अध्यक्ष की माने तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। प्रथम चरण के 2-3 दिन पूर्व कांग्रेस को स्पष्ट रूप से हार दिखाई पड़ रही है, तब कांग्रेस ने अपनी मूल नीति एपीसमेंट की पॉलिटिक्स की ओर अपना रुख किया है। वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए 2017 में 2002 के दंगों के लिए जामा मस्जिद के अंदर जाकर इस देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगने के लिए कहना, मैं मानता हूं इससे बड़ा तुष्टीकरण का उदाहरण कोई हो नहीं सकता। पीएम मोदी और अमित शाह के ताबड़तोड़ हमलों से कांग्रेस गुजरात के रण में घिरती जा रही है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस का नाम राष्ट्र विरोधी संगठन PFI, अफजल गुरु और पाकिस्तानी नेताओं के साथ जोड़ा जाना उसे कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये तो 14 तारीख को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 14 तारीख को होगी दूसरी फेज की वोटिंग और उससे पहले आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी ही रहने वाला है। छोटा सा ब्रेक लौटते हैं जल्दी।